नमस्कार, आप सभी का VC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 19th है हमारा आज। इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे मैं उम्मीद करती हूँ आपने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और कंटिन्यू आप इनको बार बार रीड कर रहे होंगे, तो इससे आपका जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम प्रिपरेशन वो बहुत बेटर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइसलिक इज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर, आइसलिक के लिए आइसलिक एक सूचना केंद्र इंफॉर्मेशन सेंटर है, किसका है? एकेडमिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड स्कूल लाइब्रेरी। तो जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय इससे संबंधित है। आइसलिक फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है। फाउंडेड ईयर 1955, हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है इसका? कोलकाता, ठीक है। आइसलिक स्पेशल लाइब्रेरीज से रिलेटेड है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमें मैच करना है HP लुहान, लॉटका, जिफ, BB ब्रेडफोर्ड। तो HP लुहान रिलेटेड टू कीवर्ड इंडेक्सिंग, HP लुहान रिलेटेड टू कीवर्ड इंडेक्सिंग, लॉटका B, ये रिलेटेड है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर, ठीक है, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर। जिफ लॉ ये वर्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड एक्यूरेंस इन ए टेक्स, ठीक है। और फिर हमारा आ गया लास्ट ब्रेडफोर्ड, ये रिलेटेड है डी का थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो ये हमें एक साथ अब एक लाइन में लिख लीजिएगा, HP लुहान कीवर्ड इंडेक्सिंग, लॉटका, HP लुहान कीवर्ड इंडेक्सिंग, लॉटका है अपना फ्रिक्वेंस, लॉटका अपना है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर, जिफ वर्ड फ्रिक्वेंसी, ब्रेडफोर्ड लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन पीरियोडिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट बिब्लियोथिको नेशनल इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है, ये कौन से देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी है बताइए। अपने इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टार्टिंग में उसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी और आफ्टर 1948 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से बिब्लियोथिको नेशनल ये है अपना फ्रांस, बिब्लियोथिको नेशनल लाइब्रेरी है ये फ्रांस की। इसका ईयर है, फाउंडेड ईयर है इसका 1461, ये इसका ईयर है। और कहाँ पे है ये? पेरिस, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट द लॉजिक ऑफ एंड और नॉट वॉज डिवाइज्ड बाय, एंड और नॉट किसके द्वारा बताया गया है? हरमन हॉलीरेथ, जॉर्ज बुले, फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकास्टर, हैंस पीटर लुहान। तो जॉर्ज बुले के द्वारा एंड और एंड नॉट ये बताया गया है।
नेक्स्ट यूनिसिस्ट, यूनिसिस्ट इज, यूनिसिस्ट क्या है? इज ए इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन इंडिया टाइप ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन ह्यूमैनिटीज एंड डायरेक्टरी. बताइए, ये है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. सूचना के ट्रांसफर के लिए, हस्तांतरण के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है. यूनिसिस्ट इज एन, क्या है ये? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है स्पॉन्सर्ड बाय यूनेस्को. यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है. और यूनिसिस्ट का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसिस्ट का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसका ईयर क्या है यूनिसिस्ट का? 1971. ठीक है, 1971 है इसका ईयर बाय यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज, तकनीकी द्वारपाल क्या है? टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, एन इनफॉर्मल चैनल, ए टर्म कॉइंड बाय टी जे एलन, ए फॉर्मल चैनल, ए टर्म कॉइंड बाय डायरेक जे डी सोला प्रिंस. बताइए, तो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर एक अनौपचारिक चैनल है, इनफॉर्मल चैनल, और किसके द्वारा दी गया है ये? टी जे एलन. ठीक है, तो इसको टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर लिख के आगे टी जे एलन इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज? इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज ये बुक है, तो इनके ऑथर का नाम आपको बताना है. वॉलफॉर्ड ए जे, कॉड्स डब्ल्यू ए, फॉस्केट डी जे या शिले ई पी. बताइए, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज, इनका ऑथर है फॉस्केट डी जे. ठीक है, नोट करते चलिएगा. नेक्स्ट, कोहा सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड बाय, कोहा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया है? एनवायरन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ऑटोलिम सॉफ्टवेयर, कैटिपो कम्युनिकेशन या एल्गोरिथम प्राइवेट लिमिटेड. तो कोहा सॉफ्टवेयर है ये कैटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है, कोहा कम्युनिटी के द्वारा डेवलप हुआ है ये, 26 लैंग्वेज में अवेलेबल है. इनिशियल रिलीज, स्टार्टिंग में ये जनवरी 2000 में रिलीज हुआ है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कोहा की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स. ठीक है, आपको क्या क्या बताया मैंने? कोहा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय कैटिपो कम्युनिकेशन, 26 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और जनवरी 2000 में इनिशियल इसका रिलीज, ईयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स. नेक्स्ट,
The concept of Ask Library Anything was originally initiated by Ask Library Anything की अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसलिब, OCLC या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन? बताइए। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईयर है 1933, एसलिब 1924, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। बताइए, ईयर बताइए, आप बताइए इसका ईयर। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और इसका आंसर है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका है 6 जुलाई 1967। ठीक है, हेडक्वार्टर है OCLC का ड्यूबिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फाउंडर फ्रेड किलगॉफ। ठीक है, तो इसमें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग इससे रिलेटेड। ये ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन चैन प्रोसीजर सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री और सब्जेक्ट हेडिंग इज डेरिव्ड फ्रॉम। चैन प्रोसीजर श्रृंखला प्रक्रिया में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियां या विषय शीर्षकों से कैसे प्राप्त किया जाता है? चैन प्रोसीजर श्रृंखला प्रक्रिया डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है 1934 में। ठीक है, इससे क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसमें सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, सब्जेक्ट हेडिंग हमें किस डॉक्यूमेंट का जो क्लास नंबर है उससे हमें प्राप्त होता है। चैन प्रोसीजर मैकेनिकल मेथड है, डायरेक्ट सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है? तो संजय सॉफ्टवेयर बताइए, इंफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, निसात, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या डेसीडॉग, या टाटा यूनिसिस। बताइए किसके द्वारा होता है। संजय सॉफ्टवेयर इज ए प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट है डेसीडॉग का। ठीक है, डेसीडॉग फुल फॉर्म बता देती हूँ, रिपीट करते चलेंगे हम हर वीडियो में। मैंने कोशिश यही की है कि जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो आपको बताई जाए। डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि संजय सॉफ्टवेयर किसका संशोधित रूप है, कौन से सॉफ्टवेयर का संशोधित रूप है संजय सॉफ्टवेयर? तो ये है CDS, ISIS, इसका संशोधित रूप है संजय सॉफ्टवेयर। फर्स्ट एडिशन कब आया है इसका? 1992। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये CDS, ISIS? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, है ना, इस तरह से है ये।
ठीक है संजय सॉफ्टवेयर, एक बार अपन दोबारा लेते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे आइडिया नहीं है कि मैं आपको कितना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। संजय सॉफ्टवेयर, इसका आंसर है अपना डेसीडॉग। डेसीडॉग सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया है, ये प्रोजेक्ट है डेसीडॉग का। डेसीडॉग फुल फॉर्म डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है यहाँ तक मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद ये है CDS ISIS का संशोधित रूप। CDS ISIS इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। ये फुल फॉर्म का अलग से नोट्स पूरा बनाते चलिएगा, मैं सभी के आपको फुल फॉर्म बताती चल रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम CDS ISIS सॉफ्टवेयर, ये आया है, ईयर है इसका 1985 फर्स्ट रिलीज, ठीक है यूनेस्को के द्वारा मेंटेन किया गया है इसको। संजय सॉफ्टवेयर का फर्स्ट एडिशन है 1992, मार्केटिंग बाय निसार। संजय सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या इस तरह का एक क्लास चाहिए पूरा ईयर डेवलपर उसके बारे में, लिप्से CDS ISIS संजय ग्रीन स्टोन फेडोरा विनाइसिस ई प्रिंट सॉल कोहा ई प्रिंट डी स्पेस न्यूज एनलिप CDS ISIS, तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता हो कि हम इसके बारे में भी आपकी को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड, बिब्लोमेट्रिक्स टर्म सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? बिब्लियोमेट्रिक्स, सबसे पहले बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है इसके बारे में बताइए। इज ए स्टडी, बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडी है मेजरमेंट ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स टैक्स डॉक्यूमेंट्स बुक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मल एस्पेक्ट्स इसमें मेजरमेंट किया जाता है बिब्लियोमेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, किताबें आती हैं, है ना इंफॉर्मेशंस। ये टर्म किसके द्वारा दी गई है बिब्लियोमेट्रिक्स, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है एलन पिचयार्ड। बिब्लियोमेट्रिक्स किसके द्वारा दिया गया है? एलन पिचयार्ड, ईयर 1969, ठीक है। किस में दिया गया था? एज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बुक्स एंड अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ बुक्स अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, तो सीधा सा है बिब्लियोमेट्रिक्स एलन पिचयार्ड के द्वारा दिया गया है, 1969 में है, ये याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
The association, known as ASLIP, was founded in 1924 under the title. Year इसमें आ चुका है 1924. इसमें टाइटल पूछा गया है कि एसोसिएशन ASLIP के नाम से जाना जाता है. इसकी स्थापना 1924 में हुई है. तो इसका टाइटल या शीर्षक किसके तहत आता है बताइए. फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे. ये है फुल फॉर्म है इसका, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स. ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स. ये ध्यान में रखना है, स्पेशल लाइब्रेरीज इससे रिलेटेड है, स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स. ये ध्यान आपको ध्यान में रखना है पूरा. ASLIP हेडक्वार्टर लंदन यूके. ठीक है, ASLIP स्टार्टिंग में क्या था इसका नाम, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये भी हमें ध्यान में रखना है, इस तरह का भी आ सकता है. एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कब था ये, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, फाउंडेड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में बना है 1924 और एज द 1924 में इसका क्या नाम हो गया, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स. ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेशन लंदन यूके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी लिटरेचर इज ए, पुस्तकालय साहित्य है बताइए. लाइब्रेरी लिटरेचर रेफरेंस सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है या टर्सरी सोर्स है? इसका आंसर आप देंगे. थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इससे रिलेटेड. मेरे इसमें सेकेंडरी सोर्सेज आ रहा है, तो आप इसके बारे में बताएंगे मुझे. लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस. क्या है ये, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, इंटरनेशनली पब्लिश्ड होता है. बुक्स चैप्टर्स विद इन बुक्स लाइब्रेरी स्कूल्स थीसिस पंपलेट्स ये सभी इसमें कवर किया जाता है. 2011 में ये HW Wilson इनके द्वारा पब्लिश किया गया है. ठीक है, HW Wilson इंडेक्सेस एंड डेटाबेस. एबेस्को पब्लिशिंग अलोंग विथ अदर HW Wilson इंडेक्स एंड डेटाबेस. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. FID सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड. FID ये क्वेश्चन रिपीट है अपना. FID इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस ऑल रिकॉर्ड नॉलेज. ईयर क्या है इसका, 12 सितंबर 1895 कहाँ पे है, ब्रुसेल्स. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, दो बेल्जियम लॉयर्स कौन कौन से, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन, इनके द्वारा किया गया है. FID का वो बता चुकी हूँ मैं आपको. फ्रेंच ओरिजिनल फ्रेंच उसमें था, ये फ्रेंच लैंग्वेज में. तो इसका ये है FEDERATION फेडरेशन, ये फ्रेंच वाले उसमें.
ठीक है। इसी तरह से इसका ये बताया गया है, इसकी इंटरनेशनल, इसमें फ्रेंच में इस तरह से लिखते होंगे इसको, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। चेंज द नेम एंड ईयर, इसका नाम चेंज हुआ है ईयर्स के अकॉर्डिंग। 1931 में इसका नाम था द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, 1931 में। 1937 में द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, FID। अब 1988 में क्या रहा इसका, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। FID डिसॉल्व हो गया था इन 2002, ठीक है। FID के बारे में डिटेल में बात हो चुकी है, तो हम इसके आंसर पे आते हैं। FID सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड, सभी को पता होगा, हैग, ठीक है, हैग इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च एंड रिट्रीव प्रोटोकॉल। सर्च एंड रिट्रीव प्रोटोकॉल क्या है, कौन सा इसमें Z3950, Z3951, Z3952, Z3948, बताइए। सर्च रिट्रीव प्रोटोकॉल ये है स्टैंडर्ड सर्च प्रोटोकॉल। सर्च खोज एंड पुनः प्राप्ति, प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है आपसे। प्रोटोकॉल इंटरनेट सर्च क्वेरीज, इंटरनेट इंटरनेट सर्च क्वेरीज है, यूटिलाइजिंग CQL, CQL फुल फॉर्म, कॉन्सेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी सिंटैक्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव क्वेरीज, SRU सर्च रिट्रीव वेव, ठीक है। तो इसमें एज ए पार्ट ये है, इसका है Z3950 इज राइट आंसर, सर्च एंड रिट्रीव प्रोटोकॉल है Z3950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PERT, PERT, PERT इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रहण, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये है स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड, किसके द्वारा यूज्ड होता है, यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले डेवलप्ड हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इन
1958 में यूनाइटेड स्टेट नेवी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, कॉमनली यूज्ड इन कंजक्शन विथ CPM, CPM फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1957, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं बताई अभी तक आपको, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक फर्स्ट डेवलप्ड यूनाइटेड स्टेट नेवी में 1958 में, ठीक है, तो आपको सारा बता चुके हैं। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इज रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेवॉक चार्जिंग सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय द अमेरिकन लाइब्रेरियन। नेवॉक चार्जिंग सिस्टम अमेरिकी लाइब्रेरियन के द्वारा तैयार किया गया है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, मेलविन डीवी, हेनरी लॉ फॉन्टेन, जॉन कॉटनडना या जॉन ड्यूरी, बताइए। तो अपना आंसर बनता है जॉन कॉटनडना, ठीक है, इनके द्वारा नेवॉक चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर मेमोरी किस किस से हमें मेज़र की जाती है, मापा जाता है, बाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स या ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी ये मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स में नापा जाता है। 1 मेगाबाइट कितना होता है, इज़ ए 1024 किलोबाइट्स, ठीक है, और 1 गीगाबाइट्स ये होता है 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड बिट्स बाइट्स किलोबाइट्स गीगाबाइट्स। ए बाइट इज 8 बिट्स लॉन्ग रेंज फ्रॉम 0 से 255, ठीक है, इसका रेंज है ये 0 से 255। तो क्या आंसर आता है अपना, सबको पता हो गया, बिट्स बाइट्स मेगाबाइट गीगाबाइट्स, तो ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर मेमोरी सभी में मापी जाती हैं। नेक्स्ट, ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए जैसे हर गांव में तालाब और कुएं होते हैं, ये कथन किसका है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, मैकॉलविन, सी डी देशमुख या चिल्कामृति लक्ष्मी नरसिम्हा, बताइए। ये है राइट आंसर, चिल्का मृति लक्ष्मी नरसिम्हा, उनके द्वारा कहा गया था कि जैसे हर गांव में कुएं और तालाब होते हैं उसी तरह हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आर्काइव्स इज मोस्ट रिलेटेड, शब्द अभिलेखागार सबसे अधिक प्रासंगिक है, फ्री ऑफ चार्ज, निशुल्क हिस्टोरिकल मटेरियल ऐतिहासिक सामग्री, फैमिली मेंबर्स या नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये है हिस्टोरिकल मटेरियल ऐतिहासिक सामग्री से संबंधित, ठीक है।
किससे संबंधित है? हिस्टोरिकल मटेरियल। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सभी के आगे सही आंसर लिखे हैं तो क्या मैच करेंगे? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 ईयर, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951। ठीक है, इसमें ये 27 अक्टूबर 1951 है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का, और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी है 5 दिसंबर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट 27 अक्टूबर 1951। ठीक है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में इसका हिस्ट्री में है, ये 1954 द लाइब्रेरी प्रोजेक्ट डेट्स बैक्स टू 1944 में श्री रामकृष्णा डालमिया। कौन थे? श्री राम कृष्णा डालमिया, इनके द्वारा डोनेट किया गया था अमाउंट, मोस्ट ऑफ द अमाउंट रामकृष्ण डालमिया के द्वारा डोनेट किया गया था लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाने के संबंध में। और किसकी रिक्वेस्ट पर? जनरल सर क्लाउड इनके द्वारा किया गया था, इनके कहने पर श्री रामकृष्णन डालमिया के द्वारा डोनेशन दिया गया था लाइब्रेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1950। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात हो रही है, 1950 में भारत सरकार और यूनेस्को उनके द्वारा इनिशिएटेड प्रोजेक्ट, और लाइब्रेरी ऑफिशियल ओपन्ड हुई 27 अक्टूबर 1951। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनोग्रेशन किया गया, बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी बिल्डिंग एक्वायर्ड हुई थी 1951 से 53 में, ऑपरेट एंड ठीक है। और इसमें हमें क्या याद रखना है, प्रेजेंट में इसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर आर के शर्मा। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर के शर्मा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हमेशा बताती रहती हूँ आपको, 1836 में क्या नाम था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद 30 जनवरी 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी, आफ्टर 1 फरवरी 1953 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तीनों आपको ईयर बता चुके हैं। प्रेजेंट में इनके डायरेक्टर हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह। कब ओपन हुई थी ये? 1836 में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे में है, मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, इनके फाउंडर हैं जेम्स मैकिन टॉस। ठीक है, फाउंडेड 1804, ईयर बता चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं इनके प्रोफेसर विस्पी
बाला पुरिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एस एस फीड इज ए टूल। आर एस एस फीड उपकरण है, किसका है? ग्राफिक डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वेव 2.0, वेव 1.0। आर एस एस फुल फॉर्म क्या है इसका बताइए? एक तो है आर डी एफ, साइट समरी, ठीक है। एक तो है आर डी एफ साइट समरी और रियली सिंपल सिंडिकेशन, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये अलाउ यूज़र्स को अनुमति देते हैं एप्लीकेशन टू एक्सेस, एप्लीकेशन को एक्सेस करने में, अपडेट टू वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को अपडेट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर रिडायबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो आर एस एस स्पीड इज़ ए टूल, वेव 2.0, वेव 2.0 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसडॉक कम्स अंडर, इंसडॉक किसके अंतर्गत आता है? डी एस टी, यू जी सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ए आई सी टी ई या सी एस आई आर बताइए। इंसडॉक की बात कर लेते हैं। इंसडॉक फुल फॉर्म इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। ईयर है इसका 1952। प्रेजेंट में निस्केयर बन चुका है ये, निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। कहाँ पे लोकेटेड है सभी को पता है, न्यू दिल्ली। फाउंडेड कब है? 2002, ठीक है। इन 2021 में द इंस्टीट्यूट वॉज मर्ज्ड। पहले इंसडॉग और निस्कॉम ये मर्ज होके बने निस्केयर 2002 में, ठीक है। अब निस्केयर 2021 में मर्ज्ड हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, करंट क्वेश्चन है 2021 का ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। तो अब टू फ्रॉम, अब ये क्या नाम बन गया है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। ऑपरेटेड अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारे पास आंसर आ चुका है CSIR, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारे एकेडमिक जर्नल्स, मैगजीन्स ये पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा।
Next question. What kind of subjects are formed by the lamination mode of formation of subject? विषयों के गठन के लेमिनेशन मोड, लेमिनेशन मोड की बात हो रही है, लेमिनेशन परतीकरण, किस तरह के विषय बनते हैं लेमिनेशन में बताइए, कॉम्प्लेक्स कठिन सब्जेक्ट, कंपाउंड संयुक्त विषय, नॉन ऑफ दीज या सिंपल सब्जेक्ट या साधारण विषय। तो लेमिनेशन परतीकरण में कंपाउंड सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, लेमिनेशन में, लेमिनेशन परतीकरण। थोड़ा सा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, विषय निर्माण की विधि। 1950 में ज्ञान जगत को ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन चार उसमें डिवाइड किया गया, लूज असेंबलेज, शिथिल समुच्चय, लैमिनेशन परतीकरण, डिसेक्शन और डेन्यूडेशन। ठीक है, चार क्या विधि थी, लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन। 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बताया गया है। स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे, बेसिक सब्जेक्ट्स, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। चार विषय 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बताए गए। उसके बाद 1960 में डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आसवन एंड फ्यूज़न ये बताया गया ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम। इसका आंसर कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्रतिकरण की उस विधि के द्वारा कंपाउंड सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट है, What are the four entities of the FRBR model? FRBR model की चार entities तत्व क्या हैं बताइए, personality, matter, energy, space। ये तो नहीं है, ये Collins classification में use किया जाता है, PMEST, books from ability type, work, expression, manifestation, item या डिसिप्लिन, एंट्री, एक्शन, पर्सनैलिटी, बताइए। आंसर है वर्क, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति एंड आइटम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। FRBR फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ये, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है, इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है अपना डबलिन कोर मेटा डेटा, बार बार आता है लेकिन ज़रूरी भी है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 एलिमेंट्स होते हैं, सभी को पता है डबलिन कोर मेटा डेटा 15 एलिमेंट्स।
15 तत्व हैं डबलिन कोर मेटा डेटा में, कौन कौन से हैं? टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कॉन्ट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। ठीक है, ये 15 एलिमेंट्स है डबलिन कोर मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन के जनक जेडी ब्राउन, एच ई बिल्स, जॉन पॉल ऑटलेट या मेलविन लुइस कॉसुथ डेवी, बताइए। राइट आंसर मेलविन डेवी। ठीक है, इनका बर्थ ईयर है 10 दिसंबर 1851 एंड डेथ ईयर 26 दिसंबर 1931। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरियन एजुकेटर थे, डीडीसी इन्वेंटर, डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाउंडर ऑफ द लेक प्लेसिड क्लब। ठीक है, डीडीसी लेक प्लेसिड क्लब। चीफ लाइब्रेरियन कहाँ के थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फाउंडर मेंबर ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईयर है 1876। ठीक है, और स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये भी मेलविन डेवी से रिलेटेड है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थर्ड स्टेप इन क्लासिफाई ए डॉक्यूमेंट एज गिवन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, तो जो 9 स्टेप्स दिए गए हैं वे डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा ही दिए गए हैं। 9 स्टेप्स डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है, इसमें थर्ड स्टेप्स पूछा गया है। कोई भी बुक डॉक्यूमेंट्स उसको क्लासिफाइड करने के लिए जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा है, बताइए। थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, बहुत टाइम बाद मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एडिशन थर्ड 1962 में इन स्टेप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट तो ये क्लियर हो गया। अब जो 9 स्टेप हैं उसमें पहला स्टेप 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 से 8 तक ये 9 स्टेप है। 0 है रॉ टाइटल, क्या है? अपरिष्कृत शीर्षक या कच्चा शीर्षक। 1 नंबर पे क्या आएगा? फुल
टाइटल, फुल टाइटल पूर्ण शीर्षक। सेकंड पे क्या है नोट कर लीजिएगा, कर्नल टाइटल या बीज शीर्षक। अब थर्ड स्टेप आ रहा है, थर्ड है एनालाइज्ड टाइटल। एनालाइज्ड टाइटल यानी विश्लेषित शीर्षक। क्वेश्चन क्या है, थर्ड स्टेप इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, राइट आंसर क्या हो गया, एनालाइज्ड टाइटल यानी विश्लेषित शीर्षक। अब फोर्थ है अपना रूपांतरित शीर्षक या ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। ठीक है, तो जीरो से लेके फोर तक के जो स्टेप हैं वो इंक्लूड है आइडिया प्लान में, नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जीरो से लेके फोर तक है आइडिया प्लान। अब हम फिफ्थ स्टेप पे चल रहे हैं, टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रमाणिक शब्दों में शीर्षक। सिक्स कौन सा है, टाइटल इन फोकल नंबर, टाइटल इन फोकल नंबर प्रतीक संख्या में शीर्षक। फिफ्थ और सिक्स ये स्टेप्स हैं आपके वर्बल प्लान में। ठीक है, फाइव और सिक्स वर्बल प्लान में। उसके बाद सेवन्थ है टाइटल इन सिंथेसाइज्ड फोकल नंबर, संश्लेषित प्रतीक संख्या में शीर्षक। लास्ट एट का है वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल बाय रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी उल्टे अनुवाद करके शीर्षक का मिलान। तो सेवन्थ और एट्थ ये आता है अपना, सेवन्थ और एट्थ आता है नोटेशनल प्लान में। ओके, जीरो से शुरू होके एट तक होता है ये नाइन स्टेप्स, जीरो से लेके फोर तक आइडिया प्लान, रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज टाइटल एंड ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। उसके बाद फाइव एंड सिक्स वर्बल प्लान, टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइटल इन फोकल नंबर। सेवन एंड एट नोटेशनल प्लान, टाइटल इन सिंथेसाइज्ड फोकल नंबर, वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल बाय रिजर्व ट्रांसलेशन। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, थर्ड स्टेप क्या था, एनालाइज्ड टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोक्यूस्ट इज, प्रोक्यूस्ट क्या है बताइए, प्रोक्यूस्ट क्या है। प्रोक्यूस्ट डायलॉग इज ए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस है ये। बाय प्रोक्यूस्ट एक्वायर्ड इट, किसके द्वारा है, थॉमसन रूटर्स मिड 2008। ओके, अपन मैड प्रोक्यूस्ट डायलॉग फाउंडर रॉजर के
स्मिथ 1972 टाइप ऑफ साइट ऑनलाइन डेटाबेस ऑनर प्रोक्यूस्ट है. इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर इज राइट आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी यह क्लास यहीं कंप्लीट होती है. उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा. आपने नोट्स भी बना लिए होंगे अपने. बार बार इनको रिपीट करते चलिए. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.